नमस्कार, बीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। पुणे स्थित पिपरी चींचवड़ में सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण जगताप के दफ्तर पर पेट्रोल पंप से हमला किया गया, लेकिन हमलावर पकड़ में नहीं आया है। हालांकि फुटेज में उनकी करतूत कैद हो गई है। दूसरी तरफ टीम इंडिया के सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह ने मुंबई में अपना एक अपार्टमेंट 17 करोड़ 58 लाख रुपए में बेच दिया है। जेबीसी इंटरनेशनल LLP ने इस अपार्टमेंट को खरीदा है। सौदे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस बीच अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज किया गया है। इंदिरा गांधी और खालिस्तान पर उनके दिए गए बयान के बाद से देश भर में उनका विरोध हो रहा है। तो वहीं आर्यन खान ड्रग्स मामले में विवादित पंचकिरण गोसावी को पुणे की भोसरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोसावी के खिलाफ कुछ दिनों पहले नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला दर्ज हुआ था। इसी बीच BMC मुंबई में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रही है, इसे लेकर संभावनाओं पर मंथन जारी है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। पिंपरी चिंचवड़ की उद्योग नगरी में सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण जगताप के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इसमें किसी हताहत या किसी के चोटिल होने की कोई खबर नहीं। हालांकि वारदात से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। यह हमला किसने और किस वजह से किया, इसका कोई ब्यौरा नहीं मिल सका है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल कर हमलावरों की खोजबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार पिंपले कुरव बैद बस्ती में विधायक जगताप के भाई विजय जगताप और शंकर जगताप, जो कि पूर्व नगर सेवक हैं, का चंद्ररंग डेवलपर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक दफ्तर है। दोपहर 3 बजे के करीब जब विधायक जगताप के दोनों भाई और उनका स्टाफ ऑफिस में था, तब एक बाइक पर सवार होकर आए 3 में से 2 हमलावरों ने 2 पेट्रोल बम से ऑफिस पर हमला किया। हमलावर को 2 छोटी बोतलों में पेट्रोल भरकर लाए थे, जिसे उन्होंने चलती बाइक से जगताप के दफ्तर पर फेंका। पुलिस ने घटना का CCTV फुटेज हासिल कर दिया है। इस फुटेज के जरिए हमलावरों की खोजबीन में पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार 3 हमलावरों ने चलती बाइक की पेट्रोल बम हमला किया और वहां से भाग निकले। टीम इंडिया के सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह ने मुंबई में अपना एक अपार्टमेंट 17 करोड़ 58 लाख रुपए में बेच दिया। JBC इंटरनेशनल LLP ने इस अपार्टमेंट को खरीदा है। यह डील 18 नवंबर 2021 को हुई। यह अपार्टमेंट करीब 2830 वर्ग फीट में फैला हुआ है और अंधेरी वेस्ट में स्थित है। भज्जी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा नहीं की है। खबर के मुताबिक यह अपार्टमेंट रुस्तमजी एलिमेंट्स प्रोजेक्ट के 9वें फ्लोर पर है। खरीदने वाले ने इस अपार्टमेंट के लिए 87,09,000 की स्टैम्प ड्यूटी भरी है। भजी ने यह अपार्टमेंट दिसंबर 2017 में खरीदा था और मार्च 2018 में इसकी रजिस्ट्री करवाई थी। तब इस अपार्टमेंट की कीमत 14 करोड़ 5 लाख रुपए थी। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि भजी ने इसे किन कारणों से बेचा है। कोई इसे व्यक्तिगत तो कोई इंटरेस्ट नहीं होना कारण बता रहा है। पारिवारिक सदस्यों से भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। 1998 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले हरभजन सिंह ने अपना आखिरी मैच मार्च 2016 में खेला था। यूनाइटेड अरब अमीरात के खिलाफ खेले गए इस T20 इंटरनेशनल मैच के बाद से वह टीम में वापसी नहीं कर पाए। अभिनेत्री कंगना रनौत खिलाफ मुंबई में केस दर्ज किया गया है। इंदिरा गांधी और खालिस्तान पर उनके दिए बयान के बाद से देश भर में उनका विरोध हो रहा है। पहले दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अभिनेत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अब इसी मामले में एक्ट्रेस के खिलाफ मुंबई की खार पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। FIR में कहा गया कि कंगना का बयान अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण है, इसे विश्व भर में सिख समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंची है। पुलिस के अनुसार कंगना पर आरोप लगाया गया है कि अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। सिख समुदाय के अमरजीत सिंह संधू की शिकायत पर कंगना के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई। खार पुलिस ने बताया कि अभिनेत्री के खिलाफ धारा 295A
अर्थात किसी वर्ग की ये धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान कर उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य करना और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सोमवार को मुंबई में दी गई शिकायत में कहा था कि कंगना रनौत ने जानबूझकर और इरादतन किसानों के विरोध को खालिस्तानी आंदोलन के रूप में पेश किया। आर्यन खान ड्रग्स मामले में विवादित पंच किरण गोसावी को पुणे की भोसरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोसावी के खिलाफ कुछ दिनों पहले नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला दर्ज हुआ था। विजय कुमार सिद्धलिंग कानडे ने किरण गोसावी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। किरण गोसावी ने विजय कुमार को साल 2015 में होटल नौकरी दिलवाने का भरोसा दिखाकर 2.5 लाख रुपयों की ठगी की थी। इसी धोखाधड़ी का मामला कुछ दिन पहले भोसरी में दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पुणे पुलिस ने किरण गोसावी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल किरण गोसावी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुणे शहर में किरण गोसावी के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगने के 4 मामले दर्ज हैं, जबकि पिपरी चिंचवड़ में 1 मामला दर्ज है। वहीं राज्य के दूसरे इलाकों में 5 मुकदमे दर्ज किए गए। पुणे के फरासखाना पुलिस स्टेशन में 3 साल पहले किरण गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी का पहला मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि किरण गोसावी ने केपीजे ड्रीम्स कंपनी के नाम से मुंबई और नवी मुंबई में दफ्तर खोला है और बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क रखने का दावा करता है। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित रही मुंबई में देश के अन्य शहरों की तुलना में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। अब बीएमसी मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज लेने की तैयारी कर रही है। बीएमसी ने इस संबंध में टास्क फोर्स व राज्य सरकार से कहा कि वह केंद्र सरकार से बूस्टर डोज देने की सिफारिश करे ताकि मुंबईकरों को बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि हमने टास्क फोर्स से इस संबंध में बात की है। टास्क फोर्स अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी, उसके बाद केंद्र से अनुमति के बाद ही बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। बूस्टर डोज की गाइडलाइन केंद्र सरकार ही जारी करेगी, उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। किसी ने कोविशील्ड का डोज लिया है तो किसी को कोवैक्सीन का और कुछ लोगों ने स्पुतनिक का भी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से डोज लिए गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को यह तय करना है कि जिससे जिस कंपनी का डोज लिया है उसी का बूस्टर लेना है या बूस्टर की डोज दूसरी कंपनी की वैक्सीन होगी। साथ ही यह भी तय होना चाहिए कि दोनों डोज लगने के कितने दिन बाद बूस्टर डोज दिया जा सकता है। इन सब मुद्दों पर गाइडलाइन के लिए हमने टास्क फोर्स से मांग की है, जिससे बूस्टर डोज देने का रास्ता साफ हो सके। वर्ष 2021 अब जाने को है। गुजरा साल पूरी तरह कोरोना के साय में बीता तो इस साल सतर्कता के साथ भी बीता। अब देश के लिए अच्छी खबर है। कोरोना केसों में कमी को देखते हुए दिल्ली एम्स के निदेशक अब आशान्वित लग रहे हैं। वे भी मानकर चल रहे कि शायद तीसरी लहर न आए। इस बीच केंद्र सरकार ने शीत सत्र में कृषि कानूनों की वापसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन समेत 26 बिलों को पेश करने का फैसला लिया है। इनमें से एक नारकोटिक्स ड्रग्स बिल 2021 भी है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ने हैरान किया है। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी वाला ईमेल मिला है। मेल के बाद दिल्ली पुलिस ने गौतम गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। उधर इसरो ने यह कहकर चौंका दिया है कि हम एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें रॉकेट खुद को ही पूरी तरह खा लेंगे, जिससे न तो समुद्र में कचरा गिरेगा और न ही अंतरिक्ष में मलबा बनेगा। इस कौतूहलपूर्ण खबर के साथ टीवी एक्ट्रेस से राजनेता बनी स्मृति ईरानी के साथ घटित वाकया भी कम हैरतअंगेज नहीं। वह कपिल शर्मा शो में बतौर गेस्ट नजर आने वाली थी, लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से ही मना कर दिया। देश के इन 5 खास और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। देश के लिए अच्छी खबर। कोरोना वायरस के नए केसों में लगातार कमी बनी हुई है। बीते 24 घंटे में एक तरफ कुल 9,283 नए केस मिले हैं, तो वही 10,949 लोग रिकवर हुए हैं। इससे एक्टिव केसों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और अब यह आंकड़ा महज 1,11,481 ही रह गया है। यह आंकड़ा बीते 537 दिन यानी करीब 1.5 साल में सबसे कम है। यही नहीं, रिकवरी रेट भी बढ़ते हुए 98.33% पर पहुंच गया है, जो बीते साल मार्च के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। इसी बीच कोरोना टीकों में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब तक देश में 1,118 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लग चुके हैं और जल्द ही यह आंकड़ा 120 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है।
एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का कहना है कि शायद अब देश में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केसों में गिरावट देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि वैक्सीन से लोगों की रक्षा हो रही है और फिलहाल कोरोना की बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तीसरी लहर आती है तो शायद यह पहली और दूसरी लहर की तरह खतरनाक न हो। उन्होंने कहा कि गुजरते समय के साथ यह महामारी अब बीमारी के तौर पर तब्दील हो जाएगी। बूस्टर डोज के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल जिस तरह से केसों में कमी जारी है, उससे ऐसा नहीं लगता कि देश में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज या फिर तीसरी डोज की जरूरत है। केंद्र सरकार ने शीत सत्र में कृषि कानूनों की वापसी, प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन समेत 26 बिलों को पेश करने का फैसला लिया है। इनमें से एक नारकोटिक्स ड्रग्स बिल 2021 भी है। इसके तहत यह प्रावधान किया जाएगा कि कम मात्रा में गांजा भांग समेत नशीले पदार्थ पाए जाने को अपराध नहीं माना जाएगा। सरकार की राय है कि इस कानून से देश की लत में गए लोगों को सुधरने का मौका मिल सकेगा। हाल ही में ड्रग्स केस समेत शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई लोगों के गिरफ्तारी के बाद यह मांग उठी थी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत कई हस्तियों ने कानून में फेरबदल करने की मांग की थी और कहा था कि लोगों को सुधरने का मौका मिलना ही चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में सिफारिशें 10 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में तय की गई थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार नार्को बिल में किसी व्यक्ति के ड्रग्स रखने, निजी तौर पर उपयोग करने और बेचने में अंतर किया जाएगा। इसमें बेचने को तो अपराध माना जाएगा, लेकिन बेहद कम मात्रा में रखने और निजी उपयोग को अपराध के दायरे से बाहर किया जाएगा। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों की वापसी समेत कुल 26 बिलों को संसद में पेश करने को मंजूरी मिल सकती है। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी वाला ईमेल मिला है। मेल के बाद दिल्ली पुलिस ने गौतम गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। क्रिकेटर से राजनेता बने गंभीर हर मुद्दे पर बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार आतंकवाद के खिलाफ बयान दिया है। गंभीर 2011 में विश्व कप जीतने वाली टीम के हिस्सा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी में गौतम ने बताया कि उन्हें मंगलवार रात 9:32 पर यह धमकी भरा ईमेल आया, जिसमें उन्हें और उनके परिवार को मारने की धमकी दी गई है। हालांकि गंभीर ही नहीं, भाजपा के कई नेताओं को आतंकवादियों की तरफ से इस तरह की धमकी मिलना आम बात है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ISI ने अभी तक किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दिया है और ISIS कश्मीर नाम के आतंकी संगठन का नाम कभी सामने नहीं आया है। बहरहाल गौतम गंभीर ने अभी 4 दिन पहले एक ट्वीट कर सिद्धू का नाम लिए बगैर तीखी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि अपने बेटे या बेटी को बॉर्डर पर भेजो और फिर एक आतंकी मुल्क के मुखिया को अपना बड़ा भाई कहना। गंभीर ने अपने हैशटैग में घिनौना और रीढ़ विहीन शब्द का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि करतारपुर पहुंचने पर सिद्धू ने पाकिस्तान के PM इमरान खान को बड़ा भाई बताया था। BJP ने इस पर सिद्धू पर जमकर निशाना साधा था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो स्टार ट्रेक की काल्पनिक तकनीकों को हकीकत बना सकता है और कई मायनों में उन्हें भी पीछे छोड़ सकता है, मसलन खुद को ही खा लेने वाले रॉकेट की तकनीक। सूत्रों ने बताया कि ऐसी एक दो नहीं बल्कि ऐसी 46 फ्यूरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर काम चल रहा है। इसरो चीफ के सिवन ने भी बताया कि हम तमाम ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें रॉकेट खुद को खा जाए, जिससे समुद्र में कचरा न गिरे। इसे आसान करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे सभी रॉकेटों में मेटल केस यानी धातु से बनी बॉडी होती है जो लॉन्च के बाद या तो समुद्र में गिर जाता है या फिर फाइनल स्टेज के बाद अंतरिक्ष में रह जाता है कचरे के तौर पर। हम एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें रॉकेट खुद को ही पूरी तरह से खा लेंगे, जिससे न तो समुद्र में कचरा गिरेगा और न ही अंतरिक्ष में मलबा बनेगा। इसके लिए हम रॉकेट की बॉडी बनाने के लिए किसी खास मटेरियल की तलाश में हैं, जो मोटर के साथ खुद को खत्म कर सके। यानी जब किसी स्पेसक्राफ्ट की उम्र पूरी हो जाए तो बस एक किल बटन दबाने से उसके नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, वह अपने ऑर्बिट में ही पूरी तरह नष्ट हो जाए, खाक हो जाए। टीवी एक्ट्रेस से राजनेता बनी स्मृति ईरानी कपिल शर्मा शो में बतौर गेस्ट नजर आने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्मृति बिना शूटिंग किए ही लौट गई। स्मृति ईरानी यहां अपनी किताब लाल सलाम के प्रमोशन के लिए आने वाली थी, लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। आखिरकार स्मृति ईरानी को वापस लौटना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जब शूटिंग के लिए एंट्रेंस गेट पर पहुंची तो वहां का सिक्योरिटी गार्ड अन्ना उन्हें पहचान ही नहीं पाया। स्मृति ने उसे बताया कि उन्हें सेट पर एपिसोड की शूटिंग के लिए इनवाइट किया गया है,
वे शो की स्पेशल गेस्ट हैं। इस पर गार्ड ने कहा कि हमें कोई आदेश नहीं मिला है, सॉरी मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। हालांकि कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि यह सारी गलतफहमी स्मृति ईरानी के ड्राइवर और द कपिल शर्मा शो के गेटकीपर के बीच हुई। न तो कपिल शर्मा और न ही स्मृति ईरानी को इसकी जानकारी थी। हालांकि जब कपिल और उनकी प्रोडक्शन की टीम को इस बात का पता लगा तो सेट पर अफरा तफरी मच गई। कपिल शर्मा ने मजाकिया अंदाज में इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लगता है कि लोकतंत्र के मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका कम्युनिस्ट देशों से दो दो हाथ करने के मूड में है। लोकतंत्र पर संवाद के लिए 9 व 10 दिसंबर को होने वाले वर्चुअल समिट में कम्युनिस्ट देश चीन और रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। वही एप्पल ने पेगास स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर बनाने वाली इसराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप पर मुकदमा किया है। एप्पल ने कोर्ट से एनएसओ ग्रुप को ब्लॉक करने की भी मांग की है। तो सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन की राजधानी सना में हुती विद्रोहियों के नियंत्रित सैन्य शिविरों पर हवाई हमले शुरू करने की घोषणा की है। गठबंधन ने लोगों से इस क्षेत्र के आसपास इकट्ठा न होने की अपील की है। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि इंग्लैंड का रहने वाला एक शख्स उत्तर प्रदेश सरकार से पेंशन ले रहा है। मामले की पोल आरटीआई के जरिए खुली। उधर बांग्लादेश के मंत्री हसन उल ईनो ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ढाका में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ों को मजबूत करके बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अमेरिका की ओर से लोकतंत्र पर संवाद के लिए वर्चुअल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए दुनिया से 110 देशों को आमंत्रित किया गया है। पर लगता है कि लोकतंत्र के मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका कम्युनिस्ट देशों से दो दो हाथ करने के मूड में है। 9 और 10 दिसंबर को अमेरिका में होने जा रहे इस वर्चुअल संवाद के लिए जिन देशों को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्योता भेजा गया है उसमें से कम्युनिस्ट देश चीन और रूस बाहर है, जबकि अमेरिका की ओर से लोकतांत्रिक देश ताइवान को आमंत्रण भेजा गया था। इससे चीन और अमेरिका की ओर से एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल पिछले दिनों ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका और चीन आपस में भिड़ चुके हैं। ऐसे में चीन को सूची के बाहर रखकर अमेरिका ने ताइवान के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अमेरिका की ओर से इस वर्चुअल समिट में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रण भेजा गया है। वहीं पाकिस्तान और इराक को भी जो बाइडेन ने न्योता भेजा है। तालिबान शासित अफगानिस्तान को भी लोकतंत्र पर संवाद के लिए अमेरिका ने न्योता नहीं भेजा है। यह तालिबान की नई सरकार के लिए बड़ा झटका है। दक्षिणी एशियाई देश से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को भी सूची से बाहर रखा गया है। नाटो के सदस्य टर्की को भी इस सूची में जगह नहीं मिली है। एप्पल ने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप पर मुकदमा किया है। एप्पल ने कहा है कि एनएसओ ग्रुप ने पेगासस के जरिए उसके 1 अरब आईफोन यूजर्स की जासूसी की है। एप्पल ने कोर्ट से एनएसओ ग्रुप को ब्लॉक करने की मांग भी की है। बता दें कि पेगासस के जरिए हजारों कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और राजनेताओं की हुई जासूसी के बाद एनएसओ ग्रुप पर तलवार लटकी हुई है। अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ ही हफ्ते पहले ही एनएसओ ग्रुप को अमेरिकी कंपनियों से निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अब एप्पल ने कैलिफोर्निया में अमेरिकी संघीय अदालत में दायर मुकदमे में कहा कि अपने उपयोगकर्ताओं को और अधिक दुरुपयोग और नुकसान को रोकने के लिए एप्पल एनएसओ ग्रुप को किसी भी एप्पल सॉफ्टवेयर, सेवाओं या उपकरणों का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित करने की स्थायी मांग कर रहा है। दूसरी तरफ एनएसओ ग्रुप ने इस बार भी हर बार की तरह आरोपों को नकार दिया है। ग्रुप का कहना है कि उसके द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल केवल आतंकवाद और अन्य अपराधों को रोकने के लिए खास अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ग्रुप ने एक बार फिर से जासूसी के आरोपों को खारिज कर दिया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि वो यमन की राजधानी सना में हुती विद्रोहियों के नियंत्रित सैन्य शिविरों हवाई हमले शुरू कर रहा है। गठबंधन ने लोगों से लक्षित क्षेत्रों के आसपास इकट्ठा न होने की अपील की। एक रिपोर्ट के मुताबिक गठबंधन ने ड्रोन हमलों के लिए नए लक्ष्य तय किए, जिसमें से एक निर्माणाधीन इमारत भी है। इसे यमन के ईरान समर्थित हुती लड़ाके ड्रोन के लिए एक खुफिया प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस घोषणा के बाद से एक बार फिर क्षेत्र में अशांति बढ़ने की आशंका है। बता दें कि यमन 2015 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। इस घोषणा पर अगर अमल होता है तो उसके लिए और मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। हुती विद्रोहियों के देश के अधिकार पश्चिमी हिस्सों पर नियंत्रण करने और सऊदी अरब समर्थित राष्ट्रपति
अब्दुल रबूब मंसूर हादी को देश छोड़कर भागने पर मजबूर करने के बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यमन के युद्ध में हस्तक्षेप किया था। इसके बाद से यमन के हालात और बिगड़ते होते चले गए। इस लड़ाई के कारण अब तक 1,10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दसियों हजार नागरिकों की मौत ऐसे कारणों से हुई है जिन्हें रोका जा सकता था। इनमें कुपोषण, बीमारी और भूखमरी शामिल है। इंग्लैंड का रहने वाला एक शख्स उत्तर प्रदेश सरकार से पेंशन ले रहा है। मामले की पोल आरटीआई के जरिए खुली। मामला संत कबीर नगर जिले के शहर कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के सहसराव माफी गांव का है, जहां के रहने वाले अब्दुल करीम नामक शख्स ने तहसील दिवस में इसकी शिकायत की। शिकायतकर्ता ने शहर कोतवाली इलाके के मीट मंडी रोड के रहने वाले मौलाना शमशूल होदा के खिलाफ सबूतों के साथ शिकायत करते हुए अफसरों से कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता अब्दुल करीम के मुताबिक मौलाना शमशूल होदा ने वर्ष 2013 में इंग्लैंड की नागरिकता हासिल कर ली। इंग्लैंड की नागरिकता के साथ वो आजमगढ़ के एक मदरसे में बतौर सरकारी शिक्षक के रूप में नौकरी करता रहा और सैलरी उठाता रहा। वर्ष 2017 में उसने वीआरएस ले ली और अब तक पेंशन उठाता चला रहा है। यह आर्टिकल 66 का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता को जब आरटीआई के जरिए सभी जानकारियां मिली तब उसने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की। शिकायत सामने आने के बाद एडीएम संत कबीर नगर को जांच मिली। एडीएम स्तर से दो बार नोटिस के बावजूद मौलाना ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने दोषी मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ढाका में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ों को मजबूत कर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश के मंत्री हसन उल इनू ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय से ही बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में आतंकवाद और पाकिस्तान द्वारा उसके समर्थन के बीच संबंध 2016 में ढाका के होली आर्टिसन बेकरी हमले में सामने आए थे, जिसमें 5 अलग अलग देशों के 20 लोग मारे गए थे। यह हमला जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश ने किया था। रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी समूह पर हमले के बाद ही छापेमारी से पता चला कि समूह को पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा का समर्थन प्राप्त था। जांच में यह भी पाया गया कि JMB के आतंकवादी सैन्य प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान गए थे। बताया जा रहा है कि JMB और लश्करे तैयबा ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के टेक्नोफ और बंदरबन के दूरदराज के इलाकों में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश स्थित AMS हरकत उल जिहाद इस्लामी अराकान से उत्पन्न हुआ है, जिसका लश्कर और पाकिस्तान तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।